हेलो रोमन आर्मीज, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है JL50, जो एक साइंटिफिक थ्रिलर हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 out of 10, और पर्सनली मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। इस फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर्स है अभय देओल, पंकज कुमार, रितिका आनंद और पीयूष मिश्रा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें लावा नामक एक वेस्ट बंगाल के शहर में एक प्लेन को क्रैश होते देखते हैं। कुछ देर बाद हम न्यूज में देखते हैं कि A026 नामक एक फ्लाइट मिसिंग है। सीन चेंज होता है और हम CBI के चीफ को देखते हैं, जो शांतनु को कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो जाकर उसे चेक करे कि ये प्लेन A026 है या नहीं। शांतनु अपनी टीम लेकर वेस्ट बंगाल आ जाते हैं और पता करने पर उन्हें ये पता चलता है कि जिस प्लेन A026 को वो ढूंढने आए हैं, दरअसल वो अलग प्लेन है जो 35 इयर्स पहले गायब हो गया था, जिसका नाम है JL50। अब यहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी जिसका नाम बीहू है, जो काफी टेंस नजर आ रही है। कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि उसका बेटा मर गया था, जिसकी वजह से वो काफी टेंस है। सीन कट होता है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में लेक्चर्स दे रहे होते हैं, और उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए शांतनु अपने कलीग के साथ आए थे। असल में वो उनसे इसलिए इन्वेस्टिगेट करने आए थे क्योंकि 35 साल पहले उन्होंने प्लेन का टिकट लिया था, पर वो उसमें ट्रेवल नहीं किए। इस पर वो जवाब देते हैं कि वो उसमें इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें हाइट से डर लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शांतनु एक लेडी का इंट्रोगेशन कर रहे होते हैं, और वो लेडी कोई और नहीं, वही पायलट बीहू होती है। पूछताछ करने पर उन्हें ये पता चलता है कि एक आदमी पायलट के केबिन में आया था और उसने प्लेन को हाईजैक करके प्लेन की कोऑर्डिनेट्स चेंज करने बोला था। प्लेन की कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पर ये प्लेन 35 इयर्स बाद यानी फ्यूचर में आ गया। तो वो आदमी कौन था और क्या इस प्लेन को क्रैश करने से बचाने के लिए क्या प्रोफेसर दास पास्ट में जाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब फिल्म JL50 देती है। अब यहाँ मैं पूरी मूवी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस मूवी को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।